क्या है इसमें? इसमें सामान है। क्या सामान है भाई? खाने का सामान। अच्छा खाने का सामान लाओ। तो भाई इसमें खाने का सामान है। गत्ता देखो इतना ढीला है ना भाई, ये खड्डे वड्डे हैं, अगर गिर विर जाएगा तो यार दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसीलिए भाई सबसे पहले पूछना बहुत जरूरी है। इतनी बार करूँ भाई, इससे ज़्यादा बार ना करूँ, अब कंप्लेंट डाल देना। भगवान कसम दो बार पैसे दे चुका मैं। गांडू ना हूँ, इनकी बैंड चोद दूँ पोटर वालों की। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई अभी सुबह के बज रहे 11:40 हो रहे हैं भाई। देखो 11:40 पे मैं निकल रहा हूँ आज। और बाकी भाई देखो, अपनी बिल्लू रानी के मीटर की बात करो तो भाई 24,948 किलोमीटर चल चुकी है। और बाकी भाई अभी देखो, मैंने क्या बोला, मेरे में टाइमर हट गया है। तो भाई जैसे ही रूम पे राइड आई ना, मैं नहा धो के तैयार हो रहा था, राइड आई, पहली राइड मैंने उठाई भाई। मैंने क्या बोला था, तुम्हारा भाई अब से राइड उठाएगा ना, तो भाई पहली राइड मैंने उठाई। और तो भाई चलो, ये राइड है 208 रुपये की ये राइड है, और ये लेके जा रहा है भाई एयरपोर्ट से पिकअप है, यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर पिकअप है। तो भाई मैंने ले ली, मैं छोड़ूंगा नीचे कहीं की भी राइड हो। तो भाई एयरपोर्ट से पिकअप है, और बाकी ये जा रही है द्वारिका सेक्टर 3। आज है गांधी जयंती, तो भाई गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बाकी भाई देखते हैं, आज गांधी जयंती है, छुट्टी है भाई आज, हर किसी की छुट्टी है, गांधी जयंती के दिन हर किसी की छुट्टी रहती है। तो भाई पोटर को लेके मैं निकल चुका हूँ, देखते हैं भाई आज के दिन अर्निंग क्या रहती है, कैसी रहती है। भाई आज रोड तो खुली खुली होगी पूरी। तो कल तक यहाँ पे 1 घंटा लगता था भैया महिपालपुर पहुँचने में, आज देखो भाई पूरी रोड खाली है यार, मज़ा आ गया। आज काम करने में मज़ा आएगा, राइडें मिलेंगी तो भाई काम करने में अलग ही मज़ा आएगा। तो भाई आज दिखाऊंगा तुम्हें भाई पूरे दिन की अर्निंग और काम कैसा रहेगा, ये सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा भाई। देखो रोड पूरी खाली है भाई, यहाँ पे इतना जाम रहता है ना भाई, वो पूछो मत। कल मैं द्वारिका चले गया था जाम के चक्कर में, देखो आज पूरी रोड खाली है यार, मज़ा आ गया। और ये एयरपोर्ट है, और वहीं जाना है मुझे। देखो यहाँ से घूम के जाऊँगा, यहाँ से है नहीं रास्ता, वहाँ से घूम के जाना पड़ेगा, और ये एयरपोर्ट है भाई। तो भाई मैं यहाँ पे आया तो राइड कैंसिल, भाई बंदा चला गया है यार। देखो इतने दूर आया, 4-5 किलोमीटर और राइड कैंसिल। तो चलो भाई, बंदा जो यहाँ पे था ना भाई, 5 मिनट के लिए गाड़ी आती है, बोले भाई, मैंने बोला था ना भाई वहाँ से टाइम लगेगा कापासला से आने में। भाई यहाँ पे देखो राइड होगी कैंसिल। फाइनली मेरे पास एक राइड और आ चुकी। देखो मैं यहाँ पे बैठा था, यहीं से ऑर्डर था, तो मैं फिर यहाँ आके बैठ गया। और बाकी भाई यहाँ पे देखो 500 मीटर दिखा रहा है पिकअप डिस्टेंस, मतलब पास में ही है, ठीक है। और तो ये जा रहा है भाई ग्रेटर कैलाश। देखो भाई मैंने क्या बोला, देखो 208 रुपये की वो राइड थी, 222 रुपये की राइड फिर से आ चुकी है मेरे पास। तो भाई मेरा टाइमर हट चुका है, तो भाई अब काम भैया एक नंबर काम करेंगे हम इसमें पोर्टर में। भैया देखो मैंने बोला ना, देखो जैसे ही अगर टाइमर हटा वैसे मेरे पास राइड भी आ रही है, और मैं जल्दी से ले भी पा रहा हूँ राइड को। तो चलो भाई चलते हैं पिकअप लोकेशन पे। अच्छा आप ही हो क्या? तो भाई पार्सल आ चुका है हमारा, बाकी देखो आ जाओ। इसको मेरे को रिसीविंग मेरे को व्हाट्सएप कर देना इसकी, ठीक है। और पेमेंट है? पेमेंट वहाँ पे मिल जाएगी ना, ठीक है ठीक है। इसको रख देता हूँ यहाँ पे आगे। अरे 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 भाई, अरे कहाँ जा रहा है। तो चलो भाई पार्सल मिल चुका है, बाकी देखो मैं यहाँ पे खड़ा था, और ये 50-100 मीटर होगा, तो 100 मीटर पे ही भाई पिकअप डिस्टेंस 100 मीटर था। और बाकी भाई ट्रिप को स्टार्ट कर दे, तो मैं डिस्टेंस दिखा देता हूँ कितना है। देखो भाई यहाँ से मेरी राइड कैंसिल हुई, तो मुझे यहीं से राइड फिर से मिल गई 222 रुपये की। तो देखो भाई 18 किलोमीटर है भाई। जितने भी भाई लोग हैं ना जो पोर्टर में काम कर रहे हैं भाई, देखो सबसे मेन चीज़ ये है कि भाई पोर्टर में टाइमर मत लगने देना। अगर टाइमर लगेगा तो भाई तुम बिल्कुल भी राइड नहीं मार पाओगे, और 2-4-5-6 राइड मार पाओगे, और बाकी जो राइड तुम्हें चाहिए वो राइड तुम ले नहीं पाओगे। तो इसीलिए भैया टाइमर मत लगने देना, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कंप्लीट करो, ऑर्डर को मिस मत करो। तो भाई यही कहना चाहूँगा भाई, जितने भी मेरे भाई लोग देख रहे होंगे वीडियो, और जो लोग काम कर रहे हैं फील्ड पर, तो उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ मैं भाई, टाइमर मत ले। देखो अभी टाइमर मेरा, कल से मेरा टाइमर हट गया है। तो भाई देखो मैंने 2 राइड ले ली भाई, मेरे से पहले कोई बंदा नहीं उठा पाया क्योंकि मेरे में टाइमर ख़त्म हो गया है। तो चलो भाई इस राइड को कंप्लीट कर। तो गाइस फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं लोकेशन पे। तो भाई आ चुके हैं भैया, ये लो और ये लो, इसमें साइन करके ना एक बार मेरे को फ़ोटो खींचने दो। तो बाकी भाई पेमेंट हो चुकी है, और ट्रिप को एंड कर देते हैं, 5 स्टार के साथ डन कर देते हैं भाई। और यहाँ पे देखो भाई मुझे 18 किलोमीटर के कितने पैसे मिले, तो मैं 177 रुपये यहाँ पे देखो, ये 177 दिखा रहा है। तो चलो भाई दूसरी राइड का वेट करते। भाई एक राइड और आ चुकी है,
वेस्ट पंजाबी बाग, ये देखो मैंने ले ली भाई, देखो तुरंत ही ले ली, मतलब राइडर आएंगी और तुम्हारा भाई उठाएगा भाई, ग्रेटर कैलाश से ही जा रही है। और तो भाई ये जा रही है यहाँ पे देखो भाई, 248 रुपये की ये राइड है और ये जा रही है पंजाबी बाग, वेस्ट पंजाबी बाग जा रही है भाई। तो चलो भाई इस राइड को कंपेयर, पिकअप डिस्टेंस तुम्हें दिखा देता हूँ, पास में ही है देखो, यहाँ पे देखो भाई, भाई देखो 500 मीटर दिखा रहा है, बाकी चार्जिंग कर लगा देता हूँ मैं क्योंकि बैटरी कम है, 14% है। यही फाइनली लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ और देखो भाई बाकी पार्सल भी आ चुका है यार, यही जाएगा क्या है इसमें? सामान है। क्या सामान है भाई? खाने का सामान। अच्छा खाने का सामान लाओ, तो भाई इसमें खाने का सामान है भाई। कितना है वेट इसका भाई? एक चीज़ मैं बताऊँ, ये फट तो नहीं जाएगा ना, अगर फटेगा तो नीचे सामान जाएगा, इसकी गारंटी मेरी नहीं है, ये पहले मैं बता रहा हूँ क्योंकि तुमने ये गत्ता बहुत लूज है तुम्हारा, हाथ लगा के तुम खुद ही चेक कर लो, क्योंकि अभी भी तुम्हारे टाइम पास है, इस गत्ते को चेंज कर सकते हो। हाँ एक बार पूछ के आ जाओ। तो यहाँ पे भाई देखो इसमें जा रहा है खाना और बाकी भाई गत्ते का देख लो। तो भाई ट्रिप को स्टार्ट कर देते हैं और डिस्टेंस दिखा देता हूँ कितना है यहाँ से, पेमेंट वही करेंगे ना भाई। 21 किलोमीटर दिखा रहा है और 39 मिनट मुझे इसमें लगने वाले हैं। फाइनली पहुंच चुका हूं लोकेशन पे और लोकेशन एंड हो रही है यहाँ पे भाई। भैया पोटर से, पोटर से यहाँ पे रख दूँ। तो भाई फाइनली पेमेंट हो चुकी है और बाकी डिलीवरी मैंने कर दी है, तो ट्रिप को एंड कर देते हैं, 5 स्टार के साथ डन कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो अगर अर्निंग की बात करूँ तो भाई अबे फिर से नहीं दिखा रहा है, तो भाई 376 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। और टाइम की बात करो तो भाई टाइम देखो 2 घंटे 44 मिनट। तो चलो भाई दूसरी राइड का वेट करते भैया। तो भाई यहाँ पे देखो एक राइड और आ चुकी है मेरे पास, कीर्ति नगर की है ये देखो, ये राइड मैंने ले ली भाई। पता ही राइड कितने की थी, पंजाबी बाग से ही है ये राइड है, 98 रुपये की राइड है ये और ये जा रही है भाई कीर्ति नगर, ये देखो कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया है ये। तो बाकी भाई पिकअप डिस्टेंस तो मैं दिखा देता हूँ कितना है, तो यहाँ पे देखो भाई भाई 1.8 किलोमीटर पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा है। तो लोकेशन पे तो मैं पहुंच चुका हूँ, बाकी इसी गली में दिखा रहा है, आइए देखो भाई लोकेशन दिखा रही है सामने। यहाँ से तो बंद है यार, वो भैया ने वहाँ से गंदर अली गली से ऐसे मुड़ा है मेरे को। हाँ काम चल रहा है ना, ये कैमरा भाई ब्लॉगिंग करते हैं। तो अब ये ब्लॉगिंग हो रही है, काम हो रहा है? हाँ ब्लॉगिंग हो रही है। क्या क्या ब्लॉगिंग कर रहे हो? वही जो काम करते हैं वही दिखाते हैं बस। अच्छा हाँ तो खर्चा कर रहा है यार। क्या करें लेके जाना ठीक, तुमने तो बड़ा खर्चा कर रखा है। तो भाई पार्सल आ चुका है, बाकी इसी की डिलीवरी करनी है। हाँ जी क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, ये तो आगे ही रखना पड़ेगा यहाँ पे जुगाड़ करके। और इसकी पेमेंट वहीं मिल जाएगी, वहीं मिल जाएगी ठीक। आपने एक बार वहाँ पूछ के कॉल करना, ठीक ठीक है ठीक है। तो भाई पार्सल आ चुका है, बाकी डिस्टेंस तो मैं दिखा देता हूँ कितना है यहाँ से। और भाई 5 किलोमीटर दिखा रहा है और 13 मिनट मुझे इसमें लगने वाले हैं। तो चलो भाई इस राइड को कंप्लीट करते हैं। भाई साहब देख रहे हो भाई, एक बार आवाज़ सुना दे यार इसकी। ओते उत्तरी भाई नीचे लग गई। भाई साहब चेक करो यार, पूरी ब्लैक में है ये भाई, सुपर कार। करो गाइस पीछे से चेक करो यार, पीछे से चेक करो, डीएल नंबर है ये। बहुत स्लो लेके जा रहा बंदा। फाइनली लोकेशन पे तो मैं पहुंच चुका हूं और बाकी भाई यहीं देना है यार, एक बार देख लेते हैं भाई। वो ये अर्चित 128 नंबर पे जाना है नीचे बेसमेंट में। तो चलो भाई चलते हैं और इसकी डिलीवरी कर देते हैं भाई, भाई नीचे ही जाना है। चलो भैया अभी अभी हाँ अभी चल रहा है, चल रहा है। हाँ जी कवर कर लो डालना चैनल का नाम, कई लोगों को देखता हूँ। ब्लॉक हाँ ठीक है, थैंक यू भैया। नहीं नहीं भैया थैंक यू।
तो भाई यहाँ पे देखो ये घोड़े की पेंटिंग भी है और वहाँ के भाई एक से एक डिजाइन है यहाँ पे। तो भाई चलो भाई इस राइड को कंप्लीट करते हैं और बाकी 5 स्टार के साथ डन कर देते हैं इसे। तो भाई अर्निंग की बात करो तो भाई देखो 454 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। अगर टाइम की बात करो तो भाई टाइम देखो 3 घंटे 33 मिनट। और तो चलो भाई दूसरी राइड का वेट करते हैं। भाई इंडस्ट्रियल एरिया है ये और बाकी यहाँ से राइड मिल जाएगी मुझे पता है भाई। और बाकी भाई ये देखो अर्चित 28 नंबर शॉप है ये और बाकी यहाँ पे विजिट कर सकते हो भाई। तो भाई यहाँ पे तुम्हें ना हर तरह के डिज़ाइन मिल जाएंगे। तो भाई मेरे पास एक राइड और आ चुकी है भाई, ये है नोएडा की, ग्रेटर नोएडा। भाई ले लो, आ जा अबे आ जा भाई। देखो मैंने क्या बोला भाई, टाइमर न लगने का फ़ायदा। देखो आ गई ना राइड भाई, और राइड ऐसी आई है ना लाजवाब वाली। अब मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, देखो 538 रुपये की राइड है और ये जा रहा है भाई सरस्वती गार्डन से और रमेश नगर। और देखो भाई ये कहाँ जा रहा है भाई, ये जा रहा है ग्रेटर नोएडा। 850 मीटर पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा है। तो चलो भाई इस राइड को कंप्लीट करते हैं भाई। तो भाई फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ भाई, अर्चित नाम की ये शॉप है जिसको भाई पेंटिंग की बहुत ज़्यादा शौक है भाई, जो अपने घर पे लगाना चाहते हैं भाई, एक से एक डिज़ाइन लगाना चाहता है। तो भाई 28 नंबर अर्चित के नाम से शॉप है ये और बाकी यहाँ पे विजिट कर सकते हो भाई। तुम्हें यहाँ पे एक से एक पेंटिंग यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगी। और बाकी भाई चलते हैं, फाइनली लोकेशन पर मैं पहुँच चुका हूँ और पार्सल आ चुका है। और बाकी ये जाना है नोएडा, ग्रेट नोएडा। हाँ ठीक है जी, दवाई है ठीक, बैग में ही डाल दूंगा। तो भाई पार्सल आ चुका है तो इसमें जा रही है दवाइयाँ। इसकी पेमेंट वहीं होगी अंकल जी, वहीं पे होगी ठीक। तो भाई ट्रिप को स्टार्ट कर देते हैं और दिखा देता हूँ डिस्टेंस कितना है यहाँ से। तो 58 किलोमीटर दिखा रहा है। देखो भाई यहाँ पे बट रहा भंडारा, तो भाई आज भी हम भंडारा खा के जाएंगे। भैया भैया थोड़ा काटना। तो भाई आ चुके हैं भंडारा खाने, थैंक यू भाई। तो भाई ये आ गई है पूरी। अरे भैया हाँ, बस 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 छोटी भाई एक पूरी छोटी ने रख दी है। और बाकी ये आ गया भाई हलवा, यही सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है हलवा। और बाकी आ गई भाई सब्जी, थैंक यू। एक बोतल पानी, थैंक यू। तो भाई यहाँ पे देखो मैंने कल भी खाया था भंडारे की भंडारा और आज भी खा रहा हूँ भाई भंडारा। देखो भाई किस्मत सही है यार भाई भंडारा। तो चलो भाई यहाँ पे भंडारा का आनंद लेते हैं। तो भाई फाइनली भंडारे का आनंद ले लिया और बाकी भाई 2 केले भी मिले हुए हैं आज तो भाई भंडारे में। भाई केले तो हम डाल देंगे भाई बैग में। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं मैं ग्रेटर नोएडा और बाकी भाई देखो आगे हम इन फ्लैटों में भाई यहीं डिलीवरी करनी है मुझे। तो भाई अंदर तो अलाउड नहीं होगा और बाकी भाई 10वें फ्लोर पर इसकी डिलीवरी करनी है। तो भाई मैं डिलीवरी करके आता हूँ और बाकी भाई अभी कैमरा मुझे हेलमेट खोलना पड़ेगा तो इसीलिए कैमरा में मैं अंदर की चीज़ें नहीं दिखा सकता। तो भाई ये देखो यही दवाई की डिलीवरी करनी थी मुझे इसी की। तो चलते हैं भाई अंदर और इसकी डिलीवरी करके आते हैं ये और बाकी भाई ट्रिप को एंड कर देते हैं। भाई देखो ये कस्टमर जो थे ना बहुत अच्छे थे यार, अंदर बैठा के पानी पिलाया और प्लस 50 रुपये एक्स्ट्रा किए। और बाकी भाई तो इस ट्रिप को एंड भी होगी भाई, ट्रिप एंड होगी। और बाकी भाई देखो ट्रिप भाई, अरे ट्रिप भी एंड होगी ये यार, मैंने तो की नहीं शायद, तो अपने आप ही होगी भाई ये देखो। और अर्निंग की बात करो तो भाई 884 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। और टाइम की बात करो तो भाई टाइम देखो मैं 5 घंटे 28 मिनट। तो भाई दूसरी राइड का वेट करते हैं और बाकी भाई अभी देखो मैं अभी वीडियो अपलोड कर रहा था तो इसी में मुझे टाइम लग गया। बाकी भाई 89% पहुँच गए। तो भाई एक राइड और आ चुकी है यहाँ पर। देखो भैया मैंने बोला था यहाँ से राइडें मिलेंगी मुझे भाई, ग्रेटर नोएडा से ही है। और ये कहाँ जा रही है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ भाई, 450 रुपये की, 449 मतलब 450 रुपये की ये राइड है और ये जा रही है दिल्ली, ये मालवी नगर दिल्ली। तो भाई चलो भाई पिकअप डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है। भैया देखो टाइमर हटाने का यही सबसे बड़ा रीज़न है। देखो तुरंत राइड मिल रही है ना, ओ भाई ये तो पास में ही है।
तो चलो भैया इस राइड को कंप्लीट करते हैं भैया। तो भाई 2 किलोमीटर दिखा रहा है। तो भाई फाइनली पहुंच चुका हूं फ्लैटों में। भाई मुझे 8 टावर पे जाना है और देखना 18वीं मंजिल है भाई ये। तो भाई यहीं पे देखो, ऊपर तो हम अलाउड नहीं कर सकते भाई, कैमरा अलाउड नहीं होता है फ्लैटों में। तो चलो भाई पहले पार्सल लेके आते हैं और उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पार्सल क्या जाएगा भाई पार्सल में। तो गाइस फाइनली भाई 18वें मंजिल से भाई पार्सल लेके मैं आ चुका हूँ और ये है डॉक्यूमेंट। तो भाई ये डॉक्यूमेंट ही जाएंगे। ट्रिप को स्टार्ट कर देते हैं भाई। डिस्टेंस तो मैं दिखा देता हूँ कितना है यहाँ से। भाई 44 किलोमीटर दिखा रहा है और 44 किलोमीटर के मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, 450 रुपये। भाई तो चलो भाई इस राइड को कंप्लीट करते हैं। अगर मेरा टाइमर नहीं हटा होता ना तो भाई मैं ये राइड मेरे को नहीं मिलती, तो दूसरा बंदा ले लेता इस राइड को। इंस्टाग्राम पे भी बनाते हो? नहीं, अभी यूट्यूब पे ही। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं लोकेशन पे और चलो स्टार्टिंग है 35,000 से स्टार्ट है। 9, 10, 11 कितना चलता है, कितना बैटरी रुकता है इसका? तो मैंने 3 बैटरी ले रखी है। हाँ, तो 2 घंटे अगर लगातार चलाते रहोगे कंटिन्यू 2 घंटे तो हो चुकी है। और बाकी ट्रिप को एंड कर देते हैं 5 स्टार के साथ। अरे अरे यार, डन कर देते हैं इसे। तो चलो भाई, अगर अर्निंग की बात करो तो भाई 1244 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। अगर टाइम की बात करो तो भाई टाइम भी दिखा देता हूँ यार तुम्हें। टाइम देखो 6 घंटे 53 मिनट हो रखे हैं। तो भाई देखो यहाँ पे 2 मिनट वेट किया, फिर से एक राइड आ गई भाई। ओ भाई हौज खास की है भाई, 79 रुपये की ले लेते भाई। भाई मालवीय नगर से हौज खास जाना है भाई, तो पिकअप डिस्टेंस तो मैं दिखा देता हूँ। 79 रुपये की ये राइड है, 450 मीटर पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा। तो भाई फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं लोकेशन पे। तो भाई मैं भाई यहाँ पे लोकेशन पे तो आ गया था पिकअप लोकेशन पे। बाकी यहाँ पे भाई सामान अभी यहाँ पे कोई है नहीं, आज छुट्टी है भाई, तो इसीलिए राइड कैंसिल हो गई है। और बाकी देखते हैं भाई, दूसरी राइड का वेट करते हैं। तो भाई एक राइड और मेरे पास आ चुकी है, ये देखो भाई, ये शेख सराय से। और ये कहाँ जा रही है भाई देख लो भाई, इसमें चार्ज भी नहीं है यार, तो अब मैं कर भी नहीं पाऊँगा यार। अमृतपुरी ईस्ट ऑफ कैलाश न्यू दिल्ली। तो चलो भाई पिकअप डिस्टेंस देखता हूँ कितना है भाई। भाई 900 मीटर दिखा रहा है पिकअप डिस्टेंस। तो चलो भाई इस राइड को कंप्लीट करते हैं। तो भाई फाइनली लोकेशन पे तो मैं आ चुका हूँ, यही जाएगा ठीक है। और वहीं होगी ठीक, आप पेमेंट करोगे। पार्सल मिल चुका है और ये जा रही है भाई। बैग हैं इसमें, 2 बैग हैं और 2 पेन और 2 बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स बता रखा था, ऐसा ही बोला मेरे को तो भाई। और तो भाई इसी की डिलीवरी करनी है। और डिस्टेंस तो मैं दिखा देता हूँ कितना है। ट्रिप को स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे देखो भाई डिस्टेंस कितना है। भाई 5.6 किलोमीटर दिखा रहा है और ये देखो भाई 48 रुपये दिखा रहा है और बाकी ऑनलाइन पेड है ही। फाइनली लोकेशन पे मैं पहुंच चुका हूं और बाकी यहीं पे डिलीवरी करनी है। ये लो, पेमेंट। हाँ पेमेंट करनी है। डॉगी डॉगी। तो भाई यहाँ पे देखो 104 रुपये ऑनलाइन पेड है। तो ट्रिप को एंड करते हैं, 5 स्टार के साथ डन कर देते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे लगा दिया मैंने चार्जिंग पे मोबाइल, थोड़ी देर भाई 10% बचा हुआ है और बाकी राइड का वेट भी करते रहते, राइड भी चार्ज करके। अभी भाई पावर बैंक ने धोखा दे दिया तो क्या करें भैया। फाइनली एक राइड और मुझे मिल चुका है, 134 रुपये की ये राइड है और बाकी भाई ये कालका जी से जा रही है और ये जाएगी भाई, और ये जा रही है नी विलेज न्यू दिल्ली। पिकअप डिस्टेंस तो मैं दिखा देता हूँ भाई। देखो चार्ज मैंने अभी चार्ज किया, आधा घंटा बैठ के 37% चार्ज हो रखा है भाई। बाकी देखो पिकअप भाई 2.3 किलोमीटर पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा है। तो भाई लोकेशन पे तो मैं पहुंच चुका हूं और बाकी एक बार ना कॉल कर लेता हूं। एमसी डोनल का बोर्ड दिख रहा है ना, तो भाई यहीं से मेरे को पिकअप करना है। तो चलते हैं भाई और जल्दी जल्दी पिकअप करके और निकल लेते हैं यार भाई, यही जाएगा। इसकी पेमेंट कौन करेगा, वहीं से होगी ठीक। तो भाई फाइनली लोकेशन पे तो मैं पहुंच चुका हूं और बाकी भाई यहीं पे दिखा रहा है लोकेशन एंड। तो भाई पार्सल जा रहा है, ये ना। अरे हाँ तुम ही हो भाई,
पेमेंट हो रखी है, पेमेंट कर दूँ ना? नहीं भैया पेमेंट करनी है, करो चेक। ये देखो ना, माँ कसम करो चेक, अभी ऑनलाइन पेमेंट करिए 266 रुपए की। अरे अभी तो नहीं हो रखा भाई, एक मिनट दादा, 266 रुपए। एक मिनट भाई, मैं भी चूतिया ही हो गया अगर झूठ बोल रहा हूँ तो। और माँ की कसम पोटर वालों की गांड मार लूंगा रात ही रात में। ये देखो ऑनलाइन नहीं है भैया, भैया ऑनलाइन सो ही नहीं कर रहा है। अब बताओ गांड मरा हूँ, अब गांड मरा हूँ हिस्ट्री, अब 134 भी हो गए, 266 भी हो गए, गांड मरा हूँ। जिससे तुम सामान ले गए 350 से भी कर दिए। पोर्टर की ऐप ही नहीं चल रही, लो मेरा फोन ले जाओ जब इसकी ऐप चल। अरे नहीं भैया, लो ये अभी यहाँ से करो ना, ये पे ऑनलाइन यहाँ से होगा। बोला घूम रहा है, अरे कितनी बार करूँ भाई, इससे ज़्यादा बार ना करूँ, अब कंप्लेंट डाल देना भगवान कसम। 2 बार पैसे दे चुका मैं गांडू ना हूँ, इनकी बैंड चोद दूँ पोटर वालों की। यहाँ पे चेक विल बी डिडक्टेड। लाओ भाई अपना स्कैनर दो, बैंड की चोट इसमें कर दो भैया, मेरे पैसे तो खर्च हो ही गए, माँ तो मैं चोद ही दूँगा इनकी। 134 थे ना भाई, लो भाई इंटरनेट में भी सुनो। ओके भाई, मुझे अपने पैसे चाहिए लेकिन 134। अनुज भाई थोड़ी देर बाद बात करूंगा, मैं भी कहीं बैठा हूँ, मेरे हो रही है बहुत टेंशन। अरे भाई मेरे दिमाग की माचूदी बड़ी। अनुज भाई मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं पैर पड़ूं, रुक जाओ अभी थोड़ी देर, मैं भाई बिल्कुल ओके है। आके चुप करिए अनुज, बहन के लोग। अब कर दो पार्टी साटी चल रही है, सही है भाई। लास्ट है, कल से नवरात्र चालू है, दशहरे के बाद ही पार्टी चलेगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू भाई। अरे भाई फाइनली पेमेंट हो चुकी है भाई, देखो वो लोग बना रहे थे बेवकूफ़ भाई, भाई उसमें दारू की बोतल आई थी तो मुझे पहले से पता चल गया था, लेकिन यार मेरा मूड इतना ख़राब था कि भाई मैं ले आया उस बोतल को भी, यार लाना तो था नहीं, तो बाकी भाई पेमेंट ले ली भाई। तो बाकी ट्रिप को एंड कर देते हैं और 0 स्टार के साथ डन करूँगा भाई, क्योंकि दारू की बोतल थी। और बाकी भाई पेमेंट की बात करूँ तो 1509 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। और टाइम की बात करूँ तो भाई टाइम देखो यहाँ पर 8:32 दिखा रहा है। और तो भाई अभी टाइम की बात करूँ तो वैसे 10 बज रहे हैं, और बाकी चलता हूँ भाई मैं यहाँ से सीधा घर के लिए, लोकेशन लगाता हूँ, बाकी राइड मिलेगी तो ठीक है भाई लेके चलूँगा। तो गाइस फाइनली मैं जा रहा हूँ अभी घर को, बाकी भाई देखो मोबाइल भी बैटरी डाउन, पावर बैंक की बैटरी भी डाउन, और बाकी भाई मेरा जो आईफोन है वो आईफोन की भी बैटरी डाउन है भाई, तीनों की बैटरी डाउन भाई, काम कर ही नहीं सकता भाई। वही चार्ज कर रहा था, फिर थोड़ा 5% कितना 12% चार्ज था, और उसके बाद भाई 25-30 कर रहा हूँ, एक राइड मार रहा हूँ फिर डाउन हो जा रही है, फिर चार्ज कर रहा हूँ फिर मार रहा हूँ फिर डाउन हो जा रही है। तो भाई यही चल रहा था भाई, मूड हो गया पूरा ख़राब भाई। देखो अर्निंग अच्छी हो रही थी और बाकी काम भी बढ़िया मिल रहा था, तो भाई लास्ट में कर दिया का पूरा काम ख़राब भाई पावर बैंक ने भाई, पावर बैंक की चार्जर ख़त्म हो गया था, सुबह चार्ज तो किया था लेकिन वो हो नहीं पाया। फाइनली पहुँच चुका हूँ रूम पर, और बाकी भाई आ जाओ सर। तो बाकी भाई अपनी बिल्लू रानी के मीटर की बात करूँ, देखो 25,157 किलोमीटर चल चुकी है। अगर टाइम की बात करो तो भाई टाइम देखो 11 बज गए, 10:52 हो गए, तो 11 बज गए हैं भाई। देखो अभी पहुँच रहा हूँ, बाकी भाई वही चल रहा था भाई, चार्ज करो फिर से राइड मारो, चार्ज करो फिर से राइड मारो, यही चल रहा था आज। गाइस फाइनली आज है दूसरा दिन, बाकी कल का ब्लॉग मैंने एंड नहीं किया था। तो कल के अगर पोटर की अर्निंग की बात करूँ तो भाई 1509 रुपये की अर्निंग हुई थी, जिसमें मुझे 50 रुपये एक्स्ट्रा मिले तो 1550 रुपये की अर्निंग, इसमें 410 रुपये पेट्रोल का निकाल दोगे तो 1150 रुपये की जो सेविंग हुई मेरे कल के दिन में। और कल की बात कर तो देखो भाई, जो लास्ट में वहाँ पे देने गया था एक बोतल दारू की जो मैंने डिलीवरी की थी भाई, उसमें देख रहे तो बंदे ने कितना मतलब मज़े ले रहा था, फुल मज़े ले रहा था, और बाकी भाई बंदे फुल पी मतलब फ्लैट थे पी पा के भाई, वही पार्टी इंजॉय कर रहे थे। और बाकी भाई देखो कल पावर बैंक ने मुझे बड़ा धोखा दिया भाई, अर्निंग अच्छी होती 7 बजे पावर बैंक की बैटरी डाउन हो गई थी, पावर बैंक की बैटरी डाउन होगी और आईफोन की बैटरी डाउन होगी और मेरा जो मोबाइल था उसकी भी बैटरी डाउन होगी, तीनों की बैटरी डाउन भाई, तो कहाँ से काम करता मैं। तो उसके बाद मैं फिर रूम पर आ गया, और बाकी भाई काम तो अच्छा चल रहा था लेकिन कल पावर बैंक ने धोखा दे दिया मुझे,
और बाकी भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। तो गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर गए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अगली वीडियो जल्दी आप तक पहुँचे।